morning, my students. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are doing well. Hope you are studying well. Okay, so let's start our class. So children, कल हमने समीर की और हम बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे? आज हम जग्गू की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. So what Jaggu's family is saying to us? Jaggu's family lived in Bichpuri village. कहाँ रहती है जग्गू की फैमिली? बिचपुरी विलेज में. He had a small shop in the village. वहां पर उसके पास एक small shop है. उनके गांव में एक छोटी सी दुकान है. He earned only such a little amount from the shop that somehow he could run his family. उस दुकान से उनको इतना ही खर्चा निकल पाता है कि वो अपनी फैमिली का खर्चा चला सकें. His sons were growing up. उसके जो बेटे हैं वो क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं. One day his cousin came to the village and took both of the sons along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन जग्गू का कोई कजिन आया और वो उसके दोनों बेटों को कहाँ ले गया? अपने साथ सिटी में ले गया. और वहां पे जो सिटी में उसकी दुकान थी वहां पे उन दोनों को नौकरी दे दी. लेटर जग्गूज सन भोला वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. धीरे धीरे बिजनेस करते करते जग्गू का जो बेटा था जिसका नाम क्या है? भोला. उसने क्या सोचा? मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा. एट दैट टाइम he had to face various problems like shortage of money, place for business, but still he did not lose encourage and his relative helped him. तो कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना. कभी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी होती है, कभी प्लेस नहीं मिलती है, कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती है जहां पे हम बिजनेस खोल सकें या अपनी दुकान खोल सकें. तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ भी आई थी, भोला के साथ. लेकिन फिर भी जग्गू ने होप नहीं छोड़ी और उसने क्या किया, उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी उसकी हेल्प करी उस बिजनेस को खोलने में. दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल. और फिर उसका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने लग गया. ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर. तो फिर उसने अपनी फैमिली को गांव से भी यहाँ सिटी में बुला लिया. ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. और भोला क्योंकि बड़ा था तो उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया था कि उनकी पढ़ाई आराम से हो सके. नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस बट स्टिल टूडे दे मिस देयर फैमिली विलेज. वो अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गांव को, अपनी फैमिली को, अपने पैटर्नल जो उनकी पैतृक संपत्ति है, जो उनका पैतृक घर था, उसको बहुत मिस करते हैं. ऑन स्पेशल ओकेशन दे विजिट देयर विलेज. और जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो वो अपने गांव भी जाते हैं. क्या? उस अपनी फैमिली को, अपनी जगह को, अपने विलेज में जाकर के मस्ती से उस त्योहार को भी मनाते हैं. तो ये किसकी फैमिली के बारे में थी? जग्गू की फैमिली. और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, किस वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया, उसके बारे में. अगेन नाउ फाइंड आउट एंड टेल, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना. इनको आपको समझना है और आपको अपने आप से इनको करने की कोशिश करनी है, ठीक है. फिर उसके बाद हम कल दूसरा पढ़ेंगे. थैंक यू.